आज हम बात करते हैं डिस्परेशन वर्सेस इंस्पिरेशन, करियर गोल्स। तो हम ये बात करेंगे, देखें डिस्परेशन क्या है और इंस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज दैट। तो हमें पता लगता है इंस्पिरेशन इज अ पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड है ना। आपको नजर आएगा कि अफर्मेशनल स्टाइल में किसी चीज को देखना, पॉजिटिवनेस की तरफ देखना, आपके अंदर उम्मीद की किरण का होना, या आपको जो है वो अपनी फोर्सिएबल आप फ्यूचर को देख सकें, तो अफर्मेटिव साइड पे आपको जो है वो इंस्पिरेशन नजर आएगी। जबकि डिस्परेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी पैसिव सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, आपको डार्कनेस नजर आएगी। यू वुड सी योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स एन एंड ऑफ अ स्ट्रीट जो कि बिल्कुल डेड एंड है, आगे आपको नजर नहीं आ रहा कि वॉट टू डू। जब ऐसी हालत हो जाती है, नेगेटिवनेस की तरफ हम सोचना शुरू करते हैं, तो देन अ पर्सन हु इज अंडर दिस डिलेमा कैन नेवर बी अ रैशनल पर्सन। वो अपनी कभी भी रैशनैलिटी पे नहीं जाएगा, उसकी जजमेंट रैशनल नहीं होगी, वो अपनी जरूरियात के बारे में सोच रहा होगा कि सस्टेनेबिलिटी कैसे करूं, आगे मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे निकल जाऊं कि मैं अपनी सस्टेनेबिलिटी को आगे फॉर लॉन्ग जो है वो कायम कर सकूं। और सबसे बड़ी बात होती है इसके अंदर यूथ जो हमारे सामने बैठी हुई है, कल को आपको इसको टेक ओवर करना है, आप हमारी जगह पर होंगे और हम कहीं और होंगे किसी दूसरी दुनिया में। बट इस सूरत में जो डिस्परेशन जब आती है ना, तो यूथ अपना काम, अपना पोटेंशियल सही से परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि देन मैंने आपको बताया कि एक डायलेमा क्या हो गया कि वो एक नेगेटिव माइंडसेट में आ गए, उनको नजर ही नहीं आ रहा कि हम आगे करेंगे क्या, हम पढ़ भी रहे तो आगे क्या करेंगे, हम जाएंगे कहां, भाई हमारे बाप दादा तो खा कमा के चले गए, हमको यहां तक पाल पोस के बड़ा कर दिया, आगे हम क्या करेंगे, हमारे करियर गोल्स हैं, हमें आगे शादी भी करनी है, हमारे भी बच्चे होने हैं, उनके लिए क्या है। तो एक आपको एक डार्क साइड नजर आ रही होती है, एंड यू कम अंडर दिस डिलेमा, यू कैन नेवर थिंक ऑफ अबाउट अ रैशनल थिंग, ठीक है ना। और इसी सूरत के अंदर इसमें दो चीजें पैदा हो जाती हैं, एक तो फॉर एन इंडिविजुअल ऐसी चीजें पैदा होंगी जिसमें आपको एडिक्शन नजर आएगी, क्योंकि देखिए जो बंदा इस डिलेमा में आ गया उसके अंदर होप खत्म होती जा रही है, होप खत्म हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगा, वो एडिक्शन। अब एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, वो किसी नार्कोटिक्स की भी हो सकती है, किसी वो अपना कोई ऐसे फजूल के कामों में भी पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये एक इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि वो होपलेसनेस में आ गया है, फ्रस्ट्रेशन इंडिविजुअल के अंदर बहुत ज्यादा होती है, वो हर बात पे हो सकता है एग्रेशन में आ जाए, दूसरे की बात सुनने के अंदर रवादार ना हो, और ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी, अपने मुआशरे में नजर आ रही होंगी। आप अपने दोस्तों से बात करें तो उनके अंदर भी ये फ्रस्ट्रेशन नजर आएगी, यार क्या कर सकते हैं, आगे जाएगा तो ये फलन है हमारे साथ ये कर दिया, छोड़ दिया। तो ये फ्रस्ट्रेशन सैडनेस हो सकता है कि वो एक्टिव ही नहीं हो, बंदा जाकर के सिर्फ और सिर्फ जब घर पे जा रहा है या सो रहा है अपना टाइम किल कर रहा है, तो उसके अंदर होप नहीं है, आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है, कोई एक्टिविटी आपको उसको नजर नहीं आती। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अभी हम एनालाइज कर लें कि व्हाई दिस, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस डिस्परेशन। इससे एक चीज और पैदा होती है इंडिविजुअल में, वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसी बात, आप जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको आगे पता ही नहीं चल रहा कि यार आगे अपॉर्चुनिटी क्या है मेरे पास, आपका कॉन्फिडेंस खत्म, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, अब आप किसी की बात भी नहीं सुन रहे और कोई उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आ रही, मोटिवेशन लेवल जीरो, ठीक है। फिर आपको एक चीज और पता चलती है कि अपनी जो आपकी सेल्फ कोई चीज इंटरेस्ट से भी आप कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर भी आपकी लैकिंग आना शुरू हो जाती है, डल होना शुरू कर देते हैं, यार मजा नहीं आ रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। हो सकता है फॉर द टाइमिंग तो आप सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन उसका स्पैन इतना लॉन्ग नहीं होता, तो वो भी आपके लिए एक पैसिविज्म, मैंने आपको बताया एक पैसिविस्टिक अप्रोच हो जाती है बंदे की, वो एक्टिविस्ट रह ही नहीं पाता क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, सैडनेस में चला गया, डार्क साइड नजर आ रही है।
मोटिवेशन नहीं होती, पैनिक, फियर, हर काम को करते हुए डरेगा, वो डर रहा होता है कि यार ये मैं कर दूं तो कल को ये मुझसे गलत हो गया तो जो मैं जिस कंफर्ट जोन में हूं उससे भी जाऊंगा। करेक्ट, ये है इंडिविजुअल की परसेप्शन, इसका इंपैक्ट कलेक्टिव भी होता है और वो कलेक्टिव इंपैक्ट सोसाइटी पर होता है कि सोसाइटी के अंदर क्या होता है, आपको स्टीलिंग, थेफ्ट और करप्शन नजर आएगी जो कि इस वक्त आपको नजर आ रही है। ठीक है, इनइक्वालिटी होती है अमंग द पब्लिक, जिनके पास जो अथॉरिटी, जो इख्तियार होता है वो उस इख्तियार को अपनी क्रेस्ट पे यूज करते हैं, दूसरे को लेने नहीं देते ना, शेयर करते हैं उसको। ठीक है ना, हाइपोक्रेटिक सोसाइटी बन जाती है। मैंने आपको बताया जो मफाद परसद है वो अपना मफाद दूसरे के साथ शेयर ही नहीं करना चाह रहा। ठीक, सिविक सेंस, ऐसी बात है जब इंडिविजुअल मफादात में पड़ गए तो सिविक सेंस कहां रहा, घर से पानी भी बह रहा है जाने दो यार, ये हमारा काम थोड़ी, ये तो गवर्नमेंट का काम है, कचरा भी रखना है तो उठा के बाहर, घर के बाहर रख देना है, भले से दूसरे को नुकसान होता है हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम कौन सा इस्लामी मुआशरे के अकदार को पूरा कर रहे हैं जो ये भी पूरा करें। सही, फिर लॉस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, डेफिनेटली जब आपस में दिलों में रंजिशें पैदा हो जाती हैं, बंदा इंडिविजुअल बेनिफिट्स के ऊपर बात करना शुरू कर देता है, किसी दूसरे को नहीं देखता, जब दूसरे को नहीं देखेगा तो कलेक्टिव एफर्ट्स कैसे बनती है, आपकी दोस्ती भी होती है तो फिर गिव एंड टेक पर होती है ना, आप साथ मिलते हैं, बैठते हैं, आपके सबके गोल्स एक होते हैं तो कलेक्टिव एफर्ट्स बनेगी, यहां हर बंदा अपने अपने गोल, इंडिविजुअल गोल्स लेके चल रहा है तो फिर सोसाइटी के अंदर ये चीज हो ही नहीं पाती। लैक ऑफ ट्रस्ट, डेफिनेटली ये ट्रस्ट कायम ही नहीं रह सकता पूरी सोसाइटी के लिहाज से। फेक लीडरशिप, जाहिर सी बात है लीडर्स कहां से निकलते हैं, घर से पैदा हुए हैं, आसमान से आए हैं वो, तो वो भी तो अमन पब्लिक है। जब इंडिविजुअल के अंदर ये चीज ट्रेट्स पैदा हो गए तो मैंने आपको बताया था कि वो इंडिविजुअल जिसके पास इख्तियार है और अगर उसका इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो फिर वो लीडर भी फिर अपनी मफाद की खातिर जी रहा होगा, उसको एक पता है 5 साल के लिए आया हूं या 3 साल के लिए आया हूं, मुझे भी नहीं पता मेरी सीट कब छिन जाए, तो वो भी अपने मफाद में चलता रहता है। और जो उसका सबसे बड़ा जो इंपैक्ट आता है ना वो आता है ब्रेन ड्रेन का। ब्रेन ड्रेन ये कि आप देखिए जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं फिर वो कहते हैं कि यार ये जगह तो रहने के काबिल नहीं रही, अब ऐसी जगह रही है, अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, सही है ना, तो फिर वो वाला इख्तियार करते हैं वो और वो निकलते हैं और उन जगह पर निकलते हैं जहां पर उनको फायदे हासिल होते हैं, जहां पे उनको लगता है कि हम तमाम बेनिफिट्स अवेल कर लेंगे अपनी अपने जोरों बाजू पे या जो सोसाइटी उनको तमाम बेनिफिट्स दे रही होगी। अच्छा, ब्रेन ड्रेन की जब हम बात करते हैं तो ब्रेन ड्रेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हमेशा से होता रहा है और जियोग्राफिकल भी ब्रेन ड्रेन होता है। ब्रेन ड्रेन क्या है कि एक जगह से फ्लक होता है, मैं ह्यूमन फ्लक कह रहा हूं उसको, ह्यूमन फ्लक तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ह्यूमन फ्लक में कह रहा हूं कि एक ग्रुप है वो उठेगा, दूसरी जगह जाएगा, रिजाइड करेगा, वहां पर अपने आप को जो है वो उसकी सराउंडिंग के साथ मर्ज करके अपने आप में बेनिफिट्स लेगा, तो ये होता रहता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताया कि वो लोग जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं इस माशरे के और चूंकि उनके अपने बेनिफिट्स यहां पे अच्छे से नहीं चल रहे होते, वो यहां से निकलते हैं और जाते हैं फिर, चलो भाई कनाडा चलें, चले जी ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन ले लेते हैं, जनाब ऑस्ट्रिया की मिल जाएगी, वहां पे बहुत अच्छा है, माशरा बहुत अच्छा है, सुकून की जिंदगी, बस सुकून से जिंदा रहते हुए जिंदगी गुजार देनी है, तो ये कर देते हैं। होता क्या है उससे कि इसकी वजूहात होती हैं ब्रेन ड्रेन की, अगर हम इसको पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें और ज्योग्राफिकल इंपैक्ट को देखें तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी एक वजह होती है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो कि आपको इस वक्त आपको पाकिस्तान में भी नजर आ रही है। तो एक ऐसा पैनिक जाहिरी तौर पर पैदा हो गया जिसकी वजह से प्रोफेशनल जो है ना अपने आप को जो है वो सिक्योर नहीं महसूस कर रहे और समझ रहे हैं कि हमारे बेनिफिट्स हमको नहीं मिलेंगे तो वो यहां से फ्ली करते हैं। फिर है जो लाइफ क्वालिटी है ना वो पुअर होती चली जाती है। आप देखिए इस वक्त कितनी हमारी जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितनी पुअर है। और इसके अलावा एजुकेशन स्किल्स, अगर आप देखिए इस वक्त से अगर हम सिर्फ कराची को ही फोकस कर लें
तो यहाँ पर आपके पास कराची यूनिवर्सिटी भी है, आपके पास एनडी यूनिवर्सिटी भी है, आपके पास उर्दू यूनिवर्सिटी भी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी है, क्या सब में म्यारे तालीम या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम है? वाई? तो इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी पैदा होती है सिस्टम्स के अंदर भी, ठीक है ना, इदारों के अंदर भी इनइक्वालिटी पैदा होती है, तो जो पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पैदा हो जाती है, स्किल्स भी नहीं मिल पाती। आप देखिए, आपको हेल्थ केयर के लिहाज से इस वक्त क्या नजर आता है, क्या आपको क्वालिटी हेल्थ केयर मिलती है? नहीं। जिसके पास पैसे है तो वो आगा खान हॉस्पिटल भी चला जाएगा, और जिसके पास पैसे नहीं है बेचारा हो सकता है गवर्नमेंट के किसी जो है वो हॉस्पिटल में जाए और वहां पर भी उसको हेल्थ भी ना मिले। इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है तमाम मफादात में, तमाम बेनिफिट्स में। स्केर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, आप देखिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, तो स्केर्सिटी इसलिए कि हर बंदा अपने मफाद, अपने फायदे और अपने बेनिफिट्स के लिए देख रहा है, तो जब अपने आप को देखेंगे तो माशरा जो है तकसीम हो जाता है, और माशरा तकसीम हो गया तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो फिर आगे पास ऑन हो ही नहीं सकते, और इस वजह से इकोनॉमिक एक स्टेग्नेंसी आ गई है, और जब इकोनॉमिक स्टेग्नेंसी आ जाती है तो मेन इंपैक्ट क्या पड़ता है, जॉब क्राइसिस, और जॉब क्राइसिस आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये नहीं है कि जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में कोई आज की चीज है, एक दिन में ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ, एक साल में नहीं हुआ, यह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही नहीं हुआ, ये बरसों से होता चला आ रहा है। इसमें सिर्फ रेशो प्रोपोर्शनेट पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ना अप एंड डाउन होगा, और वो हो सकता है 2000 से लेकर 2008 तक अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक आपको शायद एक्टिविटीज ज्यादा नजर आए, वो जो इकोनॉमिक इंसर्जेंसी या स्टैग्नेंसी है वो खत्म हो गई थी, तो वहां पर आपको जॉब भी बहुत ज्यादा नजर आई, लेकिन उसके बाद ये प्रोपोर्शनेट रेशियो जो है ना बहुत ज्यादा कम एंड ज्यादा होता रहा है। हाँ, आज के दौर में जैसे मैंने आपको बताया कि जिस वक्त आपके पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी चल ही नहीं रही हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर फिर ये जो ब्रेन ड्रेन है वो बहुत तेजी से फ्ली हुआ। एक जो है वो ये आपके सामने सिर्फ मैंने रखा है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, देखिए 14th of July 2023 की एक रिपोर्ट है, जिसके अंदर देखिए कितने ब्रेन ड्रेन के बारे में लिखा गया कि मोर देन 400,000 हाईली क्वालिफाइड यंग पाकिस्तानीज वेंट अब्रॉड इन अ डेस्परेट सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये आप समझिए कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन ड्रेन किसका होता है, ब्रेन ड्रेन आम स्टूडेंट्स का नहीं होता, उनका भी होता है, बट दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि अभी आप जब पढ़ रहे हैं तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में या पाकिस्तान की मईशत पर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहे, उसमें अर्निंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन आपकी नहीं है, लेकिन जो हाईली स्किल्ड है उनका डेफिनेटली एक इंपैक्ट है। इसी तरीके से जब हम अगर एक और आपको दिखा रहा हूं स्टैटिस्टिका के हिसाब से, स्टैटिस्टा के हिसाब से, इसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो ब्रेन ड्रेन हुए हैं, इन्होंने बताया कि आज के मुताबिक 25,607, यानी 10% अगर आप देखिए तो 10.6% जो है वो ब्रेन ड्रेन सिर्फ डॉक्टर्स का हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है, वजूहात में हम आपको बता चुके हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए ब्रेन ड्रेन की वजह जो है सिर्फ ये नहीं होता कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो जनाब पूरा 26 करोड़ 25 करोड़ आवाम खाली हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी मुल्क को जो है ना पूरा का पूरा खाली करके आप बैरन तो नहीं कर सकते उसको एक, लेकिन हाँ इसका इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ऐसा नहीं कि ब्रेन ड्रेन होता है तो सिर्फ इसी वजूहत की वजह से होता है जिससे लोग भाग रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या फला है, नहीं, कुछ ब्रेन ड्रेन आपको मुल्क को फायदा भी देता है। उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो है फॉरेन रेमिटेंसेस का। देखिए मैंने आपको बताया कि ब्रेन ड्रेन जो इंपैक्ट करता है मुल्क की मईशत पे वो करता है स्किल्ड लेबर का और स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, मैं लेबर भी नहीं कहूंगा, स्किल्ड प्रोफेशनल्स का। स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो ब्लू कॉलर जॉब्स के होते हैं, लोग जितना वो अर्न करते हैं उनकी सेविंग पावर ज्यादा होती है, जब वो पावर सेविंग पावर ज्यादा होती है अगर उनकी इंटीग्रिटी पाकिस्तान के साथ ही मुल्क के साथ ही अटैच होगी तो डेफिनेटली उनके रेमिटेंसेस भी पाकिस्तान को आएगा। और एक इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी एक इकोनॉमिस्ट हूं, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी
6,419 मिलियन US डॉलर 2003 के अंदर कमी आई है कंपेयर टू 2022 के, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या सुनने को मिला था, डॉलर थर अनकंट्रोलेबल है, बाहर से डॉलर आएगा ही नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाने वाला है। अब आप सोचिए, जो शख्स मुल्क छोड़ के चला गया और वहां जाकर के अपनी अर्निंग कर रहा है, उसको अगर ये बता दिया जाए जनाब पाकिस्तान के अंदर तो आग लगी हुई है, आप पैसे डालोगे तो जूझ हो जाएंगे, वो क्यों लगाएगा पैसे, तो वो फॉरेन रेमिटेंस सारी की सारी रुक गई, ठीक है। लेकिन ये इंपैक्ट तो एक हुआ, लेकिन इसको रिटेन करने का भी एक तरीकेकार होता है। देखिए, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट्स को इंड्यूस किया जा सकता है, लाया जा सकता है, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे एरियाज डिफाइन करने पड़ेंगे और बहुत से ऐसे लॉज बनाने पड़ेंगे जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ कंपनीज की सूरत में आएंगे तो डेफिनेटली कंपनीज का अपना कोई ना कोई मोटिव होगा, अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू लेकर आएंगे दैट्स अ क्वाइट डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ इस तरह के रूल्स बनाए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करें। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स अभी आप देखिए उसमें बिल्कुल स्टेग्नेंसी आई हुई है, रुकी हुई है, रियल एस्टेट कहीं चली नहीं रही, बंदे को खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो रहने के लिए क्या पैसे खर्च करेगा कि मकान खरीदेगा और उसके अंदर रहेगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स इतनी वोलेटाइल है, एक दिन स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी दूसरे दिन वो नीचे जाएगी, वो बिल्कुल गैम्बलिंग का स्टाइल चलना शुरू हो गया, तो उसके ऊपर इनको कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए। फिर SME या स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप यानी छोटे छोटे बिजनेसेस के ऊपर जो है ना फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि बिल्कुल बहुत अरसे से फ्रीज है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है। एक और चीज मैं आपको इससे सिर्फ कनेक्ट करके, ये मेरा मौजू नहीं है, सिर्फ आपको हिंट देके जा रहा हूं कि ये समझ लीजिए इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट गवर्नमेंट की गवर्नेंस में था। उसमें होता यह था कि गवर्नमेंट अपने बाइंडिंग प्रोजेक्ट्स के साथ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ करेंसी नोट प्रिंट करवा लेती थी और उसके बाद इन्फ्लेशन तो जरूर बढ़ता था लेकिन दैट वाज अ कंट्रोलेबल इन्फ्लेशन, क्योंकि वो कंट्रोलेबल इस लिहाज से कि अपने ही जो है वो स्टेट बैंक से नोट सिर्फ आपने वो किया अपना प्रिंट करवाए होते थे, पीछे कोई डॉलर आपको नहीं लेने होते थे तो आप उसको प्रोजेक्ट फाइनेंस कर लेते थे। अब क्या हुआ कि पिछले जो गवर्नमेंट के दौर में इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट किया और IMF के हवाले किया, अब पूरी की पूरी गवर्नेंस जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की IMF करती है, और जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की IMF करती है तो गवर्नमेंट के कहने पर वो नोट ना छापते हैं ना रेगुलेट करते हैं। इसकी सूरत का इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो सर्कुलर डेट इंटरनल कर्जा था हमारा वो भी IMF को प्लेज कर दिया गया, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया, जो कि जो है पिछली गवर्नमेंट जो है वो दावा करती रही कि जनाब ये इंटरेस्ट बढ़ गया, हमारा लोन बढ़ गया, तो लोन बढ़ने की वजह क्या थी वो आप लोगों को शायद नहीं पता, वो ये वजह है कि सर्कुलर डेट को उन्होंने जो है IMF के पास रीफाइनेंस करवा दिया। तो जब ऐसा सूरत हो जाएगी तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर फाइनेंसिस गवर्नमेंट कर नहीं सकती और गवर्नमेंट के पास है ही नहीं पैसा, बैंकिंग वो किससे बैकअप करवाए, तो उसकी सूरत में वो क्या करते हैं कि फिर वो चाहते हैं कि जनाब इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये होना चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसको लेकर आए और उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू अगर करना चाहें तो अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और बहुत सारा काम हो सकते हैं इसमें। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, आपके पास पूरा पंजाब, एक वक्त मैंने इसकी अटॉर्की बनाई थी, एनालिसिस किया था कि जब समझ ले बरेसगीर इंडो पाक एक थे उस वक्त सिर्फ पंजाब, ये पंजाब से हमारे पंजाब की बात नहीं हो रही, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों मिला के मैं बात बता रहा हूं, सिर्फ पंजाब जो है वो कितने ही अरसे तक टोटल जो एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट है पूरे इंडो पाक बरेसगीर की पूरी कर सकता है अकेला पंजाब से। तो अभी तो आपके पास सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहरहाल अपॉर्चुनिटीज हैं, हम अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर, इसको अपलिफ्ट करना चाहिए जो कि नहीं हो रहा। हाँ, प्राइवेट इन्वेस्टर्स उन्होंने अपने हेल्थ सेक्टर को अपलिफ्ट किया है लेकिन उनकी अपलिफ्ट करने में उनका अपना प्राइवेट मोटिव है कि वो अपने प्रॉफिट मोटिव पे चलेंगे, प्रॉफिट मोटिव पे चलेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ हेल्थ जो है वो बढ़ना शुरू कर देगी। रिस्क मिटिगेशन करने के रूल्स बनाने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा, ब्रेन ड्रेन जो होता है ना, इसका चेन रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं होता कि ब्रेन ड्रेन लोग चले गए बस ठीक है जी, उनका खाना पीना भी हमारे जिम्मे नहीं है, तो जिस मुल्क में जाएंगे वहीं पे खाना पीना होगा, ऐसा नहीं होता है, चेन रिएक्शन होता है।
वो लोग जो कि हाईली स्किल्ड थे, उनकी अर्निंग पावर भी यहाँ पे ज्यादा थी, उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर आप लोगों ने सुना हो ये नाम, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है, उनकी सेविंग वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो वो खर्च ज्यादा करते हैं। जब उनका जो है खर्च पैटर्न, जिसे कहते हैं ना एक्सपेंडिचर पैटर्न, उनका ज्यादा होगा तो डेफिनेटली एक चीज कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो डिमांड के साथ साथ कंजर्केटिव सप्लाई बनना शुरू होती है, और वो सप्लाई के साथ साथ फिर इन्वेस्टमेंट्स भी बनती हैं, कंपनीज भी लगती हैं, फिर जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी ये पूरी एक चेन रिएक्शन है, वो होना चाहिए। लेकिन जो ये ब्रेन ड्रेन, जो आपके स्पेशलिस्ट चले गए यहां से, उन्होंने यहां पर तो एक वैक्यूम पैदा कर दिया अपनी स्किल्स का। सोचे डॉक्टर्स यहां से 25,000 डॉक्टर उठ के चला गया, अब ये वो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट थे, चाहे कोई और उनकी फील्ड थी उस जगह पे, तो फॉर द टाइमिंग एक ऐसा वैक्यूम खड़ा हो गया जो कि वो ट्रांजिट नहीं हो रहा किसी दूसरे को देने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, जिस जगह पे वो गए हैं वहां पे जाकर के देखिए, उस रिजाइडिंग कंट्री के अंदर भी इतनी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि जब तक के वो सेचुरेशन पे नहीं आती तब तक के तो वहां पे भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, वहां पे भी उनके तमाम चीजें पूरी हो रही होंगी। लेकिन जिस दिन उसका कैपेसिटी है वो आउटबर्स्ट होगी, उस वक्त क्या होगा, वहां पे भी तमाम क्राइसिस शुरू हो जाएंगे। तो कोई आप में से अफराद जो ये जहन में रखें कि नहीं जी कनाडा जाएंगे तो हमारी तो जिंदगी आसान हो जाएगी, अमेरिका जाएंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, मिडिल ईस्ट जाएंगे तो हमारी जिंदगी, सर जिंदगी आसान नहीं होती, उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, सस्टेनेबल कैपेसिटी, कि जहां पर वो आपको या हमको रिटेन करेगा, जिस दिन वो कैपेसिटी एग्जॉस्ट होगी तो उसके बाद तमाम प्रॉब्लम जो आप यहां देख रहे हैं उससे ज्यादा शायद वहां पर क्राइसिस आ जाए, क्योंकि वहां पर मल्टी कल्चरल एनवायरमेंट के लोग आए हुए होते हैं, ठीक है। मास जो है वो जब एग्जॉर्ट करता है, यहां से निकल जाता है, बहुत ज्यादा पब्लिक निकल जाती है, मैंने आपको जैसे बताया कि उनकी अर्निंग पावर जब ज्यादा होती है तो उनका टैक्स भी ज्यादा कट रहा होता है। तो सोचें आप कि अगर एक बड़ा वो लोग जिनकी अर्निंग पावर ज्यादा थी उससे आपको टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा हो रही होगी, वो यहां से उठ के चले गए तो टैक्स कलेक्शन कहां पर आपकी, उतना ड्रॉपेज आपके टैक्स कलेक्शन में आएगा, और टैक्स कलेक्शन की वजह से फिर आपके कंजर्केटिव प्रोजेक्ट्स भी आपके डिले फैक्टर पर चले जाएंगे। इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो दो वजह से जो है ना वो इसके अंदर हार्म होते हैं, कि एक्सपर्टीज इज लॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इमिग्रेंट हो जाते हैं तो जो यहां से गए वो अपनी स्किल्स ट्रांसिट करके नहीं गए, दूसरे को ट्रांसफर करके नहीं गए, तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन जाता है। इकोनॉमी के ऊपर जो है वो सरप्लस स्पेंडिंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जैसे मैंने बताया, और एक बहुत बड़ा स्किल्स का गैप खड़ा हो जाता है। और तीसरी चीज ये, चौथी चीज ये होती है कि जो आपकी अपकमिंग जनरेशन है उनकी नर्चरिंग जो होती है ना वो उस अंदाज में ग्रूमिंग नहीं हो सकती जो कि होनी चाहिए, ठीक। अब हम ये तो सारे मैंने आपके सामने खोल के रखा कि जो आपके इस वक्त की सिचुएशन है इसमें डिस्परेशन इन जगहों पे नजर आ रही है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि भाई हम इसको रिवर्स कैसे करें, हाउ कैन वी रिटेन इट बैक, हाउ कैन वी रिवर्स इट ऑल्सो, तो जरा उस पर बात कर लेते हैं। तो देखें सबसे पहली चीज हमें ये समझना पड़ेगा कि इसको रिड्यूस करने का, यानी आप समझे कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टडी के मुताबिक, स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 55% ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन पाकिस्तान और पॉपुलेशन कंसिस्टेड ऑफ यूथ, समझ रहे हैं आप, 55% यूथ है। अब आप ये सोचें कि जिसने भी ये डिस्परेशन आपके और हमारे दरमियान पैदा की है वो डिस्परेशन में उन्होंने कितने बड़े मास को जो है वो एक अंधेरे में धकेल दिया है, जिसकी वजह से वो यूथ जो कि आगे टेक ओवर करेगी इस कंट्री को, उसके अंदर एक नाउमीदी पैदा हो गई, वो पैसिविज्म की तरफ चले गए, तो वो सोचेंगे भी कैसे, काम भी कैसे करेंगे, खड़े भी कैसे होंगे, तो एक बहुत बड़ा डिलेमा उन्होंने पैदा कर दिया। लेकिन पर्पसफुली है, मतलब ऐसा नहीं है, अगर आप ये समझे कि नहीं जी ये सिर्फ हमारे ये जो हुकूमत में अफराद जो गवर्नमेंट में आते हैं उनकी वजह से रहा है, ये पॉलिटिकल लीडर्स ने हमको इस तरफ ड्रेन कर दिया, नहीं सर ये तो टूल्स रहे हैं। आप इसको होलिस्टिक व्यू में, एक बड़े व्यू में देखें तो आपके अंदर नाउमीदी की कैफियत किसी पर्पसफुली आपके अंदर ये इम्प्लांट की गई है। अब इसको कैसे रिवर्स करें, तो रिवर्स करने का तरीका क्या होगा कि देखिए सबसे पहली चीज हम समझ लें कि कोई भी शख्स, आप में से भी कोई भी शख्स जब किसी इदारे में जाए या किसी जगह पर अपने जो है वो इख्तियार पे जाकर के काम करे, तो वहां पर उसको सबसे पहली चीज समझ में आनी चाहिए कि वो मेरिट के ऊपर काम करे। जहां इक्वालिटी आएगी
वहां पर ये तमाम चीजें हो सकता है आपके टाइम फ्रेम में ना नजर आए लेकिन आपकी अगली नस्लों को नजर आ रही होंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि कुछ ऐसे इकदाम करें कि अट्रैक्ट करें हम टॉप टैलेंट्स को मेरिट पर, फिर इसी तरीके से हायरिंग भी करें टॉप टैलेंट्स की, ठीक है, और फिर टॉप टैलेंट्स को हम असेस करें, उनको ग्रूम करें, उनके अंदर कोई कमी है तो उसको जो है वो उसको ग्रूम करेंगे हम, डेवलपमेंट उसका प्लान करें। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जो है वो मिडिल ईस्ट में काम करता हूं, 12 साल मुझे वहां हो गए, उस 12 साल के अरसे में कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने अपने यूथ को मेरे अंडर में ना दिया हो कि मैं उनकी कोचिंग करूं। कितने ही जो है वो उनके यंगस्टर जिनको हमने ग्रूम किया आज वो मैनेजर्स और डायरेक्टर और पता नहीं कहां कहां बैठे हुए, ठीक है, उनकी थोड़ी सी पॉपुलेशन है, उनके पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन जब वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, वाई नॉट वी, ठीक है। रिटेनिंग टैलेंट करें, उनको टैलेंट को रिटेन करने का तरीका क्या होगा कि आप उनको उनके उनके मेरिट पर रिवॉर्ड दें, अगर उनके मेरिट पर उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा डेफिनेटली वो लुक फॉर करेंगे, वो कहेंगे भाई मैंने पढ़ा लिखा इतनी उम्र गुजार दी मैं कहीं के लिए बैठूं यहां पर। फिर जो है वो अलाइनिंग टैलेंट स्ट्रेटेजी विद बिजनेस स्ट्रेटेजी, ये भी हो कि जो जो जिसका जो मेरिट हो उसको उसके मेरिट पे जगह दी जाए काम करने की, अगर कोई बंदा है उसकी स्किल्स जो है वो आईटी की है उसको मैं लगा दूं जनाब किसी और टेक्निकल डिपार्टमेंट में तो इसको एक्सप्लॉइट करने वाली बात हुई ना, तो ये नहीं होना चाहिए। लिवरेजिंग डाइवर्सिटी इन द कंपनीज वर्कफोर्स होना चाहिए और प्रमोट करें मेरिट को और इंप्रूव करना चाहिए हमें यहां पर क्वालिटी एजुकेशन को और नर्चरिंग फैसिलिटी हम दें। आजकल की जो यूथ है ना, जैसे मैंने आपको बताया 55% यूथ के ऊपर हमारी पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है, उसके अंदर दो किस्म की जनरेशन अब हमारे सामने हैं, वो है जनरेशन जेड एंड जनरेशन अल्फा। जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा जो है ना, ये पूरी की पूरी सोशल मीडिया और आईटी की पलीवी के बच्चे हैं, ये पैदा भी हुए हैं तो टैब के साथ पैदा हुए हैं और सिर्फ इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी सोशल मीडिया है। ये इनके इनके साथ ये आप इसको प्रॉब्लम कह लें, अच्छा ये जहन में रखें कि सोशल मीडिया की जो इंफॉर्मेशन आप लेते हैं ना उसका टाइम स्पेन बहुत कम होता है, वो इम्पैक्ट आपको बहुत ज्यादा देर तक आप रिटेन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। पहली तो बात ये कि आप उसकी सोर्स के ऊपर ही नहीं जा रहे, आपको पता ही नहीं कि वो सच है या झूठ है, वो इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है, तो ऑथेंटिसिटी पे तो जाते ही नहीं है ये, तो इनकी ये जहन में रखें। अब इनको जो है ना, इनको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, लेकिन मोटिवेट के साथ साथ ये जो जनरेशन जेड एंड जनरेशन अल्फा है इनको ये समझ लें कि बहुत सारी ऐसी कोर वैल्यूज होंगी जिनको वापस लाना पड़ेगा अपने अंदर। वो कोर वैल्यूज क्या है, वो इस्लामिक कोर वैल्यूज है जो कि हम और आप भूल गए हैं, ठीक है ना, वो सोसाइटी पे वो इंपैक्ट कर रही है। आज एक यंगस्टर के ऊपर कोई शख्स रिलाय करने को तैयार नहीं है, क्यों, वो देख रहा है यार ये तो सोशल मीडिया का बंदा है, ये आज मेरे साथ एसोसिएट होगा कल को कोई और काम कर रहा होगा, ऐसा ही है ना। तो जब दिलों के अंदर ये आ जाती है ना तो फिर वो यूनाइट यूनिटिज्म जो है वो नहीं आता, यूनिटी नहीं आती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कोर वैल्यू को रिवैलिडेट करना पड़ेगा। तो देखिए सारी कोर वैल्यूज वही मैंने लिखी है जो इस्लाम के मुताबिक है, कि एक तो हमें ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, हमको रिटेन करनी पड़ेगी अपनी इंडिविजुअल्स की, हर इंडिविजुअल को ये करना पड़ेगा काम। कोलैबोरेशन, जहां ग्रुप्स की बात होगी तो वो कोलैबोरेट करेंगे ईच अदर से, कोहेसिवनेस होनी चाहिए, सिंसियरिटी, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, एक्सीलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन वैल्यूज रादर देन मनी। ये बड़ी एक बात है, मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि जब हम बात करते हैं कि ये जो हमारी यूथ है ये फ्रस्ट्रेटेड हो गई है। अब इसमें क्या हुआ कि फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ इनमें एक चीज पैदा हो गई कि जनाब हमने कोर वैल्यूज को साइड पे कर दिया और पैसे को या मटेरियलिज्म को या मटेरियलिस्टिक अप्रोच को अपने जहनों में इंप्लाइडली, आपको भी नहीं पता कि ये आप करने क्या जा रहे हैं, ठीक है ना। इसकी वजह सिर्फ आप नहीं है बल्कि मैं अगर यहां पे कितने लोग हैं जो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, कुछ पढ़े हुए इकोनॉमिक्स, एक बस देखिए इकोनॉमिक्स के जितने भी सिस्टम है ना, अगर आप उसकी स्टार्ट को पढ़ें तो वो स्टार्ट होता है किससे, डिजायर्स से, कि डिजायर्स जो अरोज होती हैं
उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए आप रिसोर्सेज गैदर करते हैं, करेक्ट? व्हेन योर रिसोर्सेज आर इक्विवेलेंट टू सेटिस्फाई योर डिजायर्स, दैट डिजायर बिकम वांट एंड नीड। ठीक है, अब मुझे बताइए इस स्टडी के दरमियान कोई चीज गलत नहीं बताई है, लेकिन जब यह कह दिया गया कि डिजायर्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज गैदर करें, इसमें हलाल हराम सच झूठ ये तमाम इकदार कहां है? ये तो है ही नहीं। तो उस बेसिक सिस्टम्स की वो मोरल ही खत्म हो गया कि जिस सिस्टम को आप आगे तकलीफ करने के लिए जा रहे हैं। आप सोचिए, इस्लाम आपको कोई बना हुआ सिस्टम नहीं देता है, लेकिन जिन बेसिस के ऊपर जो भी सिस्टम आप बनाते हैं ना, उसके कोई ना कोई कोर नॉर्म्स होते हैं। ये आप उठाकर देख लीजिए, इकोनॉमी के अंदर कोई भी सिस्टम हो, कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, एक्स वाई जी, कोई भी सिस्टम उठा के देख लीजिए, बेसिक नीड से डिमांड बनाने का उसूल यही है जो मैंने आपको बताया, करेक्ट? अब हम आ जाते हैं जरा एक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे। अब देखिए, ये एक मैंने आपके सामने एक मॉडल रखा है कि हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा सिस्टम है ना, वो है क्या, जिसके ऊपर आप और हम आज बैठे हुए हैं। तो इस सिस्टम के अंदर आपको एक नजर आएगा मिडाइवल सिस्टम। मिडाइवल सिस्टम क्या है? ये जो आपका जिसे कहते हैं ना पुराने दौर के जो आपके निजाम रहे हैं, उनका मेन जो कोर था वो क्या था? वो फ्यूडलिस्टिक मॉडल के ऊपर ही था। और फ्यूडलिस्टिक मॉडल, जिसको उर्दू में आप खुदशाही का निजाम कहते हैं, वो क्या है अगर आप देखिए तो ये है खुदशाही का निजाम, जिसमें चर्चेस जो थे वो पॉलिटिसाइज करते थे, पॉलिसीज बनाते थे और उसको इंप्लीमेंट करवाते थे। ठीक है, तो ये यहां पर देखिए अगर, तो ये जो हमारे पास खुदशाही का निजाम आपको एक मॉडल नजर आ रहा है, इसके अंदर किंग होते हैं, नोबल होते हैं, नाइट्स होते हैं और पीजेंट्स होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो किंग से, किंग क्या करता है, किंग के पास क्या होती है कि वो अथराइज होता है कि पूरी की पूरी उसकी टेरिटरी की लैंड जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एक एग्रीमेंट के साथ, और वो एग्रीमेंट करता है किसके साथ? नोबल्स के साथ। ये नोबल्स वो लॉर्ड्स होते हैं जो उसके कहने पे काम करेंगे। अगर आप देखिए तो जो ब्रिटिश रूलरशिप थी, तो उसके भी उन्होंने यहां पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो लॉर्ड्स बनाए थे यहां पर, तो पूरा का पूरा वही मॉडल था, कोई चेंज नहीं आया। हार्डवेयर आपका रहा, सॉफ्टवेयर उनका ही इस्तेमाल कर रहे हैं, सही? नोबल, फिर यही लोग अपनी लैंड्स को मुख्तलिफ जो है प्रोटेक्शन एजेंसीज या सिक्योरिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनको लैंड देते हैं कि भाई इतनी लैंड आपकी, आप इस पे काम करें, ये सिक्योरिटी आप हमें बाइंड करेंगे कि हमारी बादशाहत को खत्म ना होने देने की सिक्योरिटी आप दें, सही? लेकिन वो नाइट्स भी खुद काम नहीं करते उन जमीनों पर। उनका काम क्या होता था कि वो वहां के पीजेंट्स, ठीक है, किसान, साहूकार, पब्लिक जिसे मैं आज के दौर में कहूं, उसको इस्तेमाल करते थे और वो जमीन के ऊपर खेती बाड़ी करे, तो सारी की सारी यानी दूध वो निकाले, मलाई वो लेके चले जाए। ठीक है, ये सिस्टम था आपका फ्यूडलिस्टिक। लेकिन वर्सेस अगर हम आते हैं जमहूरी निजाम के ऊपर जो आज आपको नजर आता है, आज के दौर में नजर आने वाला है, जिसको कि इकबाल तो बहुत अरसे पहले कह गए। इकबाल ने अपनी इबलीस की मजलिस से शुरू में क्या कहा? हमने कुछ शाही को पहनाया है ये जमहूरी लिबास। जब हुआ आदम, जब जरा आदम हुआ है खुद शनास हो खुद निगर। अब आप देखिए ना, जब इंसान को आगाही हो गई, यार ये बादशाह भी तो दो कान, दो आंखें, दो हाथ, ये सब रखता है, ये कैसे हो सकता है हम पे सुपरसीड करेगा? उन्होंने कहा जनाब डेमोक्रेसी लाते हैं ये, इसको पीछे लेकर जाओ। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे आ जाए आप, तो वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो आपको नजर आ रहा है वो यही है, सिर्फ कपड़े दूसरे पहना दिए गए दिखाने के लिए, वो दूसरे कपड़े आपको पहना करके यहां पे दिखा रहे हैं। कांग्रेस भी वही है, लॉर्ड्स की जगह पे कांग्रेस आ जाती है, गवर्नर्स की जगह पे मतलब नाइट्स की जगह पे गवर्नर्स आ जाते हैं, और आप देखिए सिटीजंस तो वही पीजेंट्स हैं, यानी अल्लाह माफ करे चीज वही है। लेकिन इसके बरक्स सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा, अगर आज मैं आपसे सवाल करूं, अल्लाह ताला ने दुनिया में इतनी मखलूकात पैदा की है, सही है? इन मखलूकात के अंदर जमीन भी है, आसमान भी है, चरिंद परिंद हैं, सब हैं। आपके जहन में सुप्रीम क्रिएचर कौन सी है? इंसान। अल्लाह ताला ने भी इंसान को खलीफतुल अर्ज बनाया ना, तो इंसान ही बनाया, रैंक टॉप मोस्ट रैंक इंसान का, सही? मुख्तलिफ आयातों का भी मैंने हवाला दिया है, आप सब जानते ही है, मुख्तलिफ आयात का मैंने हवाला दिया है और वो वहां मौजूद है।
ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा इसमें, जिसमें सूरह बकरा भी आ जाती है, सूरह आराफ में भी है, सूरह अजाब में भी इसका जिक्र है, मुख्तलिफ आयतों का। लेकिन आप देखिए कि ये जो इंसान है ना, आज आप वर्ल्ड में पाकिस्तान की पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं, 25 करोड़ की आवाम, ये तो स्टैटिस्टिक्स आपकी कह रही है ना, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, पेचोकम थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा। 25 करोड़ की आवाम का मुल्क है, 95% मुसलमान है, 55% यूथ है, सुप्रीम क्रिएचर इंसान हुआ या जमीन हुई? सर आप हैं, यू आर द मेन पिलर्स, लेकिन क्या वजह है आज हम इतनी पस्ती में हैं? कुछ तो होगा ना, हमें अपनी सेल्फ असेसमेंट तो करनी पड़ेगी ना। अब मैंने थोड़ी सी असेसमेंट आपको करने की, एक चीज कहलाती है सॉट एनालिसिस, किसी ने सुनी है सॉट एनालिसिस? क्या है भाई? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो किसी भी काम को करने के लिए आज पाकिस्तान की भी सॉट एनालिसिस हम कर लें, हमें तो पता चले कि वेयर वी स्टैंड नाउ, तभी तो हम काम कर सकेंगे। देखिए इसमें से दो कंट्रोलेबल होते हैं, दो अनकंट्रोलेबल होते हैं। सॉट एनालिसिस में दो कंट्रोलेबल चीजें होती हैं, दो अनकंट्रोलेबल होती हैं। हमारा मकसद ये हो, हमारा मतलब यहां पे काम ये बन गया है, हम सारी चीज डाल देते हैं भाई ये फला आएगा चीजें ठीक हो जाएंगी, खुद ब खुद कैसे ठीक हो जाएंगी यार? हाँ, हम पहले असिस्त तो कर लें कि हम कहां खड़े हैं, हमारा क्या किरदार है, हमें क्या चीजें करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अपनी कोर वैल्यूज को जो है वो रिस्टेट करना पड़ेगा, वो नहीं कर पाए हैं। अब देखिए स्ट्रेंथ क्या है हमारी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पाकिस्तान की क्या है, कौन बता सकता है? हैं? अभी तो मैंने आपको बताया कि सारे क्रिएचर्स के अंदर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, यूथ पॉपुलेशन, अभी तो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि सबसे पहली चीज कोर स्ट्रेंथ हमारी है पॉपुलेशन एंड यूथ, ठीक है। फिर है रिच एंड फर्टाइल लैंड, ये हमारे पास है, बहुत वास्ट एरिया है, नेचुरल ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड टूरिज्म भी हमारे पास है, स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड पोर्ट्स भी हैं। आप देखिए पोर्ट्स जहां बनाई जाती हैं उसकी मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अनबेरेबल होती है, जब भी आप उसको मेंटेन करने की बात करेंगे वो कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप अननेचुरल पोर्ट बना रहे हैं ना। पाकिस्तान के पास चाहे आप कीमाड़ी ले लें, चाहे बिन कासिम पोर्ट ले लें, चाहे आप गवादर पोर्ट ले लें, अगर आप ज्योग्राफिकली उसको देखें वो ऑलरेडी बिल्ट इन पोर्ट है, कि मिड ऑफ द सी तक आपके पास जो है वो एक लैंड का पैच मौजूद है जिसपे आप बर्ड्स बनाकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे या उसको प्लेज कर दे रहे, दैट्स अनदर थिंग। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरे वक्तों में तो था, अभी दोबारा इन्होंने रीस्टेट करना शुरू किया है, ग्रीन लाइन बसें और ऑरेंज बसें और ये तमाम डाल रहे हैं। भारत अगर आप चाहें तो रेलवे ट्रैक्स को भी देखेंगे तो रेलवे ट्रैक्स आपको मंगोपीर तक भी बिछा हुआ नजर आएगा, रेलवे ट्रैक्स आपको जो है मलीर तक भी बिछा हुआ नजर आएगा अंदर, ठीक है ना, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहां पर, वहां तक रेलवे ट्रैक्स इवन साइट तक जाते हैं, ठीक है। वो इस्तेमाल में नहीं है, रस्टेड हो गए, खत्म हो गए, उन लैंड के ऊपर जमीनें बना के आप खा गए, दैट्स अनदर थिंग। बट चीजें मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म दोबारा करना पड़ेगा आपको। वीकनेसेस क्या है हमारी, अच्छा स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैपेबिलिटीज, 1971 के बाद से आपकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है बहुत अच्छी है, 71 के बाद से, ठीक है, उससे पहले जो थी वो सब आप जानते हैं, लेकिन आज के दौर की जंगें जो है वो कुछ और है, वो सिर्फ डिफेंस कैपेबिलिटी के ऊपर नहीं लड़ी जाती, लेकिन उनके बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि अभी हमें नजर भी आ रहे हैं कि जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा को जो है तबाह करके भी जंगें लड़ी जा रही हैं। वीकनेस क्या है हमारी, कि हमारे वीकनेसेस में लो पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी। देखिए आपकी जो जमीनें हैं ना वो किसी को विरासत में मिलती हैं, वो अपने बच्चे को देता है, एक बाप के चार बच्चे हैं, तो अगर 100 एकड़ जमीन थी तो 25-25 एकड़ टुकड़े हो गए। अब एक बच्चे ने तो सुबह बनाया शॉपिंग सेंटर, एक बच्चे ने बनाई प्रोडक्शन, एक बच्चे ने जो है ना उसको किसी को आड़तीये को दे दिया कि भाई इसके ऊपर कुछ भी करो। तो इस तरह से क्या होता है, लो प्रोडक्टिविटी आपकी आती है पर एकड़ के हिसाब से। तो इनएडेप्टेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, हम एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल आज भी नहीं कर रहे, उसी लेगेसी प्रोसेस में जा रहे हैं। और हो सकता है कि विलेजेस के लोग जो है वो पढ़ने लिखने के लिए जब शहर आते हैं तो वो जाते ही नहीं है वापस, के जाना करना क्या है,
टेक्निक को इस्तेमाल करके। अनस्किल्ड इलिटरेट लेबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्चर हुआ हुआ है। लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट है टूरिज्म सेक्टर के ऊपर, वो आज भी है। लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सी पोर्ट्स है, और इंडस्ट्रियल सिटीज के अंदर आप नहीं कर रहे, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेटिव एंड डिफरेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज है। अपॉर्चुनिटीज हमारी क्या है कि पेट्रियोटिक एंड डेडिकेटेड गवर्नमेंट टीम कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स टू डेवलप द स्ट्रेटजीज टू टर्न द वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ ऑफ डेवलप बाय अडॉप्टिंग द सक्सेसफुल कंट्रीज मेथोडोलॉजी। देखिए एक बहुत अहम बात है कि जब मैं जॉब के लिए गया तो वहां पे मैं स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता हूँ, और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ही मुझे लगाया गया। वहां पे देखकर मुझे ये अंदाजा हुआ कि स्टेट के प्रोजेक्ट्स को मैं असिस्ट कर रहा हूँ, और वो स्टेट के प्रोजेक्ट्स की हमको पता चलता था कि इसका रिटर्न्स क्या आने वाला है, क्या फोर्सी किया जा रहा है, कितने सालों के लिए किसको ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक। मैंने पाकिस्तान में आज तक अपनी जिंदगी में तो जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए कोई अथॉरिटी बनी हुई नहीं देखी, जहां पे प्रोजेक्ट्स बनते हों और उसकी असेसमेंट भी की जाती हो इम्प्लीमेंटेशन से पहले। यहाँ ये होता है कि कौमी असेंबली सूबा असेंबली से अप्रूव हो गया, जना पार्लियामेंट में गया प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, मतलब क्या है उसके प्रोज एंड कॉन्स नोबडी नोस, ठीक है ना। अच्छा थ्रेट हमें क्या है कि इफ द करेक्टिव एक्शंस विल नॉट टेक इन रीसेंट ईयर्स टू कम पाकिस्तान माइट फॉल इनटू डेट्स एंड इट इकोनॉमिक माइट टच द नेगेटिव डिफॉल्ट विच मे थ्रेटन इट्स सॉवरेंटी। देखिए ये तीन साल पहले मैंने इकोनॉमिक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर जो है वो ये प्रेजेंटेशन बनाई थी, ये उस वक्त की नोटिंग है। ये थ्रेट मैंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े डेब्ट में जा रहा है, ये डेट वही था जो सर्कुलर डेट आपने IMF को प्लेज कर दिया, और अगर आप उठाकर स्टैटिस्टिकल भी देखें तो आपको नजर आएगा 2020 के अंदर इन्होंने ये प्लेज किया है और $2.8 बिलियन का कर्जा आपका बढ़ा है लास्ट गवर्नमेंट के दौर में, नॉट दिस रीसेंट गवर्नमेंट, मैं बात कर रहा हूँ पास गवर्नमेंट के दौर में। तो $2.8 बिलियन का कर्जा बगैर लिए में बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? पहले आपका सर्कुलर डेट था जो कि लोकल था, और आज वो आपने प्लेज आउटसोर्स करके IMF को दे दिया, तो फिर तो वो डॉलर्स के साथ रीफाइनेंसिंग हो रही है। अब उसके ऊपर आप इंटरेस्ट रोक के दिखाइए, कैसे रुक सकता है वो। ये तो थी सीधा सीधा बातें जो मैंने आपके सामने रख दी। इसी शॉर्ट एनालिसिस को मैंने आगे एक अटॉर्की की सूरत में ये प्रेजेंटेशन मैं आपसे चाहूंगा कि शेयर भी कर दूं, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं अटॉर्की को इन डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि अटॉर्की बहुत वास्ट सब्जेक्ट है इसको पढ़ना, लेकिन एक एक सेगमेंट को फिर मैंने एनालाइज किया है, और अगर आप देखिए तो उसके अंदर आपको नजर आएगा कि हमारी वीकनेस कहाँ है, और फिर मैंने वहां पर आपको उसकी अपॉर्चुनिटीज भी दी है कि पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट अटॉर्की के लिहाज से क्या है। तो इसके अंदर हमने तकरीबन मैंने आपको 11 के करीब जो है वो पॉइंट्स दिए हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट्स भी की जा सकती हैं और जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, तो इसको पढ़िएगा। और मेन चीज़ ये है कि नाउमीदी वैसे भी कुफर है, और नाउमीद आप लोगों को नहीं होना कि नाउमीदी की वजह से यूथ के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आएगा उससे आप सोचिए कि आने वाले इम्पैक्ट में आप अगली नस्लों को लेकर चलने वाले हैं, आप अगली जनरेशन के लिए जो है ना वो एक स्टेप फॉरवर्ड हैं, तो उसके लिए आपको काम करना चाहिए। अपनी मोटिवेशन को वापस रिटेन कीजिए, और ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, हर अंधेरे के बाद एक उम्मीद की किरण ज़रूर होती है। एंड वी आर हेयर विद यू, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमको आसानी पैदा फरमाए, ठीक है सर।